आइए देखते हैं डीवीटीवी न्यूज। मुझे खुशी है कि आज हैदराबाद के आपके इलाके में मैं पहला जलसा कर रहा हूँ। आज दोपहर में जब मैं औरंगाबाद से निकल रहा था हैदराबाद के लिए, तो मेरे साथ महाराष्ट्र के उसी खेत में जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी थे, उन्होंने मुझे देखकर ये कहा कि आप भी हैदराबाद जा रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं कैंपेनिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से सलाम दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को हैदराबाद में आवाम के जगह पर किस मकान के ऊपर रखती है, ये पिछले कई सालों से हैदराबाद की आवाम दिखाते आई है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआओं की वजह से जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, जो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के बारे में ताने कसते थे, जो हंसते थे, जो हमें देखकर मजाक उड़ाते थे, जो असद साहब के बारे में कहते थे ये तो सिर्फ हैदराबाद के उतनी महदूद एक जमात है, ये हैदराबाद के बाहर बिल्कुल चलेगी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआओं की वजह से हम महाराष्ट्र में गए तो वहां पर कामयाबी मिली। जिस बिहार के अंदर हम गए तो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल वालों ने यही कुछ कहा था कि यहां पर मजलिस कुछ जीतने के लिए नहीं आई है, किसी और को जिताने के लिए आई है। वही इल्जाम जो बार बार हम पर लगाए जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आवाम ने तय कर लिया था कि तुमको जो कहना हो कहो, इस बार इंशाल्लाह बिहार में मजलिस का ही पर्चम लहराएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटें जब वहां पर जीत कर आए तो आज कांग्रेस की महफिल सजती है, भारतीय जनता पार्टी की महफिल सजती है, आरजेडी की महफिल सजती है, लेकिन चर्चा वहां पर मजलिस का ही होता है। हमने 5 सीटें वहां पर क्या जीत ली, सारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि ये बिहार में कैसे जीत गए। हम उन ताकतों को ये बताना चाहते हैं कि बिहार को सिर्फ एक झांकी थी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है, जाएंगे वहां पर भी। लेकिन उन सब जीतों से बड़ी जीत उस मुकाम की होती है जहां से ये पौधा जन्म लिया था। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की पैदावार जिस शहर से हुई है वो आप लोगों का गढ़ है, और इस गढ़ को कमजोर करने के लिए आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शायद कभी ऐसा कोई इलेक्शन हुआ होगा जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज सेंटर के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सबकी मंशा यही है, सबकी कोशिश यही है कि असदुद्दीन अवैसी को उनके गढ़ के अंदर खत्म किया जाए, उन्हें यहां पर कमजोर कर दो, वो भारत देश पे फैल ही नहीं सकेंगे, पहुंच ही नहीं सकेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हैदराबाद की आवाम सुनती सबका है लेकिन करती अपने दिल का है, और पिछले कई सालों से आप ने इसका सबूत देते आए हैं। यही वजह है कि आज हैदराबाद का अगर जिक्र होता है तो लोग ये नहीं कहते हैं कि हैदराबाद में मशहूर क्या है, हैदराबाद का
जिक्र होता है तो असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लिया जाता है। दोस्तों, आज यह इलेक्शन इसलिए बहुत मायने रखता है कि अगर इस शहर में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पैर पसारना शुरू कर दी तो यहां की जो तहजीब है, हमारा अपना जो शहर है जिसे हम पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के सामने बताते हैं कि ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सिखाया है। ये वो शहर है जिसने मुसलमानों को इज्जत बख्शी है, वरना हमारी हालत क्या थी, हमारा वजूद क्या था। इसी तरह की महफिलें हर 5 साल के बाद सजाई जाती थी और तुम्हारा और हमारा काम यह था कि बस वो वोट मांगते और हम उन्हें वोट दे देते। इतने सालों तक यही कुछ होता रहा था, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे अंदर यह कुव्वत पैदा की, हम लोगों को बताया कि हम जमीन के ऊपर कितने भी ताकतवर हो जाए लेकिन हमारी आवाज अगर ऐलानों तक नहीं पहुंचेगी तो कोई मतलब नहीं वो ताकत का। इतने सालों तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर रहते थे। लोग कहते थे कि अकेला है, अकेला ही रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इम्तियाज जलील को भी यह शर्फ हासिल हुआ है कि मैं मेरे नायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर दाखिल रहा हूं। एक से परेशान थे, दो से जरा ज्यादा ही परेशान हो गए। हम उन्हें यही कहते हैं, यह शुरुआत है, इंशाल्लाह और भी आएंगे। और मजलिस वो जमात है जो भूखे मुक्के और पैरों को नहीं देखती है, सब बोलने वाले होते हैं और डट कर बोलने वाले होते हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आके डाल कर बोलने वाले होते हैं। आज यहाँ पर जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, जिस तरह की बातें की जा रही है, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता है कि अगर हम चुनकर आ जाएंगे तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। हम जब बिहार में थे, कांग्रेस का एक उम्मीदवार था जिसने राहुल गांधी के स्टेज के ऊपर खड़े रहकर राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर ये बात कही थी कि हम असदुद्दीन अवैसी के हाथ पैर तोड़कर उसे वापस हैदराबाद भेज देंगे। लोगों ने सुना, जो उम्मीदवार हमारा वहां से इलेक्शन लड़ रहा था उसको 90,000 वोट मिले और जो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था वो महज 20,000 के अंदर लपेटा गया है। मेरे भाइयों, आज ये इलेक्शन महज एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है। यकीनन ये बात सही है, अगर हैदराबाद ताकतवर रहेगा मजलिस के लिए तो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से यह अपन गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग जो अपनी मोहब्बतों से मजलिस को नवाजते आए हैं, जो मजलिस का साथ देते आए हैं, इस बार आप लोगों को और ज्यादा ताकत बरसनी है, क्योंकि इसके बाद जब हम जाएंगे तो पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां से हम फखर के साथ ये कहेंगे कि हमने बिहार के अंदर फतेह हासिल की। पिछले बार मजलिस के जितने उम्मीदवार हैदराबाद में जीते थे उससे कहीं ज्यादा इस बार जीते हैं और वही जीत का सिलसिला इंशाल्लाह से पश्चिम बंगाल के अंदर भी हम हासिल करेंगे, अगर आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहेंगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजा करना चाहूंगा मेरे भाइयों कि आप लोग 1 तारीख के दिन अपने घरों से निकलिए और पूरी ईमानदारी के साथ जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो बटन दबाने से पहले उस मंजर को याद करना
जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 550 के उस ऐलान के अंदर खड़ा था, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब सामने बैठे हुए, असद साहब जब भी खड़े रहते हैं अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उस दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को कितना फख्र हुआ कि वो अकेला था। और जब वो बिल आया गया जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं तो साबित करो, वहां असदुद्दीन अवैसी साहब माहिर हुए एमपी था, जिसने मोदी साहब की आंखों में आके जान कर बताया कि इस कागज के टुकड़े की कीमत हमारी नजर में क्या है। तो देख मोदी, उन्होंने उस कागज के टुकड़े को फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक मारा। मेरे भाइयों, अगर वो एक अकेले रहकर ये कर सकते हैं तो आप सोचिए कि हम अपने ऐवानों के अंदर अगर हम आम लोगों को अगर भेजते हैं, हमने कभी देखा है कि हमारे बिहार के ऐवान के अंदर करीब 250 MLAs हैं, लेकिन वहां पर हमारे अख्तर इमान साहब जो MLA चुनकर गए हैं 5 ही है, लेकिन वहां पर वो खड़े रहकर ये कहते हैं कि मैं अगर शपथ लूंगा तो हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, मैं भारत कहूंगा, और भारत कहकर उन्होंने वो शपथ ली है। आज ये वक्त की जरूरत है मेरे भाइयों, उस वक्त की जरूरत को आप लोग समझिए, और हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 4 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ हैदराबाद इसका जश्न नहीं मनाएगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस की ये जीत का जश्न मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। History created by Shaheen Group of Institutions. Kartik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Mohammad Arbaz Ahmed has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.